नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। फाइव स्टोर में आज हम फिर से आ चुके हैं एक और नया रिएक्शन और रिव्यू के साथ। तो आज हम करेंगे एक और नए समरपुरिया गाना का रिएक्शन, और ये गाना है रंग रसिया, जो कि एक कमेंट सेक्शन में हमें सजेशन आया था कि भैया इस गाने का रिएक्शन कीजिए। तो भैया ये रहा वीडियो, आप ऐसे ही कमेंट करते रहो, हम रिएक्शन वीडियो लाते रहेंगे। तो ये गाना भैया समलपुरिया म्यूजिक इंडस्ट्री से है, और समलपुरिया म्यूजिक इंडस्ट्री काफी परफेक्ट और काफी प्यारे गाने बनाते हैं। तो भैया ये भी एक और गाना है जो कि 4 दिन पहले ही आया है और काफी अच्छे खासे व्यूज लेके आया है। तो चलिए देखते हैं और रिएक्ट और रिव्यू करते हैं कि कैसा ये गाना, कैसी इसकी म्यूजिक, कैसी इसकी लिरिक्स और कैसी रहती है इसकी वाइब, सब चीज का आंसर मिलेगा सिर्फ यहाँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, और भी रिएक्शन वीडियो के लिए कमेंट जरूर करना कि आपको कौन से गाने पर रिएक्शन चाहिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो वही करेंगे भाई। मतलब चाहिए करो और उसके बाद फिर मिल जाएगा वीडियो। तो चलो रिएक्शन का कारोबार शुरू करते हैं भैया। लोग कान में लगा के हेडफोन, चलिए शुरू करते हैं रंग रसिया संबलपुरिया गाना, जो कि वाइब म्यूजिक ऑफिशियल्स पे आया, 4 दिन पहले ही आया और काफी अच्छे व्यूज है। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन और रिव्यू करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गो। कैसा रहता है ये गाना? भाई साहब, मतलब स्टार्टिंग का म्यूजिक, मतलब पहले तो एक वोकल के साथ गाना स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर एक बीट आती है, जो कि भाई मुझे पहले जब स्टार्टिंग में मैंने सुना तो मुझे लगा भाई ये क्या था अचानक से, मतलब अजीब सा रैंडम साउंड्स के साथ बहुत सारे मतलब म्यूजिक है, मुझे लग रहा है ये थोड़ा लोकल वाला वाइब देने की कोशिश करी गई है। पर उसके बाद जो ड्रॉप गिरा है भाई, काफी मतलब काफी पम्प्ड अप फील होता है, काफी पावरफुल ड्रॉप गिरा है और मतलब म्यूजिक काफी तगड़ा है स्टार्टिंग का, ठीक है। और गाना देखते हैं आगे कैसा होता है। सिंगर स्टार्टिंग में तो अच्छा ही वोकल लगा, अब आगे देखते हैं सुनते हैं कैसा रहता है उनका वोकल और कैसा रहता है म्यूजिक, कैसा रहता है लिरिक्स कैसा रहता है वो पता करते हैं। चलिए देखते हैं आगे।
भाई साहब तो गाना हो गया खत्म, और रंग रसिया गाना काफी मतलब मुझे काफी यूनिक लगा, क्योंकि भाई मैंने अभी जितने भी संगम प्रतिपुरिया गाने सुने उसमें से ऐसा बीट और ऐसा कंपोजिशन मैंने नहीं देखा था। ठीक है, ये गाना स्टार्ट होता है एक मेलेडी के साथ और उसके बाद जिस तरीके से उसके बीट ड्रॉप्स गिरते हैं, एकदम क्या बोलते हैं वो, थोड़ा ये विसर्जन वगैरह का डांस होता है ना, वैसा बीट गिरता है। ठीक है, एकदम पूरा ड्रम तगड़ा टाइप से बज रहा है, वो भी ड्रम नहीं ढोल वगैरह नगाड़ों के साथ बज रहा है और उस तरीके का म्यूजिक डाला गया है, प्लस में बीच में अचानक से मेलोडी चलते चलते फिर रैप गिर जाता है, देन फिर रैप के साथ फिर लड़की का पार्ट आता है, वो भी पूरा स्टार्ट सूदिंग के साथ होता है, देन फिर वो नगाड़े वाले क्या बोलते हैं बीट ड्रॉप गिरते हैं। मतलब काफी ज्यादा मिक्स करके और काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके ये गाने को बनाया गया, पर भाई जो भी एक्सपेरिमेंट था, मतलब स्टार्टिंग में तुम जब सुनोगे फर्स्ट टाइम तो तुम्हें लगेगा भाई अजीब, मतलब कहीं कहीं थोड़ा बहुत लगेगा भाई ये क्या आ गया अचानक से, पर धीरे धीरे जैसे तुम सुनते जाओगे इसके वाइब में घुसते जाओगे और एक बार जब तुम उसके वाइब में घुस गए उसके बाद फिर भैया गाना इंजॉय करोगे, क्योंकि गाना काफी मजेदार है। ठीक है, तुम मजा करोगे ये गाना सुनकर, और खासकर ये डीजे वगैरह में बजेगा तो भैया मजा ही, मतलब तहलका ही मच जाएगा, ऐसा गाना है और काफी एक्सपेरिमेंटल, काफी तगड़ा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा गाना नहीं सुना। ठीक है, कि भाई इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जाए और खासकर वो म्यूजिक के साथ, क्योंकि म्यूजिक तुम देखोगे तो भाई सिनेमैटिक म्यूजिक भी थे, मतलब सिनेमैटिक इन द सेंस मेलेडिक म्यूजिक जो होती है कि भाई एक लव वाला म्यूजिक हो, वैसा म्यूजिक भी था, एंड देन फिर पार्टी म्यूजिक भी था, एंड देन फिर बीट ड्रॉप जो इस तरीके से एंगेजिंग बनाया गया है विद क्या बोलते हैं विसर्जन डांस वाला टाइप से, भाई बहुत ही तगड़ा और काफी अच्छा लगा मुझे ये गाना सुन के। और जिसने भी सजेस्ट किया कमेंट सेक्शन में, भाई थैंक यू कि तुमने सजेस्ट करा और काफी तगड़ा गाना सजेस्ट करा। ठीक है, क्योंकि भाई तुम भी जाकर चेकआउट करो और एक बार जरूर रंगरसिया के वाइब में घुसो, क्योंकि भाई इसकी वाइब बहुत तगड़ी है। ठीक है, तुम इंजॉय करोगे, मजा आएगा तुम्हें ये गाना सुन के। और इसकी बात करें वीडियोग्राफी की, तो वीडियोग्राफी का भी सेट डिजाइन काफी तगड़े यूज करे गए थे, जो एक्टर्स थे वो काफी यंग थे। ठीक है, पर सेट डिजाइन काफी तगड़े यूज करे गए थे और काफी अच्छी तरीके से बजट में वीडियो खर्चा करा गया है, मतलब वीडियो में खर्चा है भाई। संबलपुरिया गाने में वीडियो प्रोडक्शन वगैरह बहुत पैसा खर्चा करते हैं, मतलब अच्छा खासा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं भाई, काफी तगड़ी प्रोडक्ट बनाते हैं और वो देख के तुम्हें मजा आती है, क्योंकि वीडियो इनका काफी एंगेजिंग रहता है, क्या बोलते हैं साउथ वाला थोड़ा वाइब रहता है, क्योंकि साउथ में भी तुम देखोगे अगर एक्टर एक्ट्रेस डांस कर रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ चीजें ऐड की जाती है ताकि एंगेजिंग फैक्टर रहे, और वो भी चीजें इसमें देखने को मिलती है। तो भाई ओवरऑल गाना मस्त था, मजा आया सुनकर। ठीक है, जाकर जरूर चेकआउट करो रंग रसिया। ठीक है, संबलपुरिया गाना है, वाइब म्यूजिक ऑफिशियल्स पे आपको मिलेगी, तो प्लीज जाकर चेकआउट करो। और अगर हमसे हमारे वीडियो को देखकर जा रहे हो तो कमेंट में लिख देना एम्पायर स्टूडियो, भाई हमें भी अच्छा लगता है कि मैंने भी ऑडियंस दी है, और हमारे वीडियो का काम ही ऐसा है कि भाई दूसरों के गानों को प्रमोट करो। तो इसी के साथ हम लोग लेते हैं अलविदा और फिर से मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ, और अगर आपको कोई गाने पर रिएक्शन चाहिए तो कमेंट कर दो, फिर रिएक्शन वीडियो आएगा जरूर। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग चलते हैं, फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और जितना ज्यादा हो सके अपना प्यार देना। इसी के साथ मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो, चलो भाई।